हरि विष्णु भगवान की आज हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाप मिटाने विष्णु जी कई रूप में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की आज हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाप मिटाने हरि मेरे कई रूप में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सागर में एक दानव ने वेद पुराण डुबाए, वेद पुराण के डूबते ही छाने लगा अज्ञान। मत्स्य रूप में आके प्रभु जी वेद बचाए आप, मत्स्य अवतार में राजा सत्यव्रत के महल में आए। थोड़ी थोड़ी देर में उनका आकार भी बढ़ता जाए, राजमहल भी पड़ गया छोटा जोड़े राजा हाथ। राजा सत्यव्रत बोले कि कौन है प्रभु जी आप, फिर रूप चतुर्भुज राजा सत्यव्रत को दिखाते हैं, प्रभु आप दिखाते हैं। बचना पाएगी, करो इकट्ठा सभी जीव और बीज है राजन तुम। बहुत बड़ी सी नाव तुमको भेज देंगे हम, उसी नाव में सब ऋषियों संग तुम भी बैठ जाना। बच जाओगे महाप्रलय से बिल्कुल ना घबराना, तुमको बचाएंगे हम राजा महामत्स्य बन के, और हम सृष्टि का निर्माण कराएंगे फिर से। इसीलिए रूप मत्स्य का श्री विष्णु जी बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर सागर मंथन को आए, पीठ पे आपने विंध्याचल पर्वत को उठा लिया। सागर मंथन शेषनाग के सहयोग से किया, निकला हलाहल विष तो भोले ने ही कंठ में थामा। लेकिन अमृत पीने को दोनों में हुआ हंगामा, मोह लिया दानव को आपने मोहिनी रूप बना के। तब जाकर दो हिस्से आया अमृत देवों के, बन के धर्म के रक्षक भगवान आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाप मिटाने हरि मेरे कई रूप में आते हैं,
सुनाते हैं। तीसरे अवतार में आपने रूप धरा वरहा, छिपा दीदा नव हिरण्याक्ष ने जो सागर में धरा। शरण में आपके सभी देवता फिर तो है आए, रूप बना वरहा का धरती को वापिस है लाए। हिरण्याक्ष दानव को हरा देवों का रखा मान, वरना फैल रहा था बहुत ही दुनिया में अज्ञान। अपने दांतों बीच धरा को सागर से लाए, वर अवतार की देवता जय जयकार लगाए। दानव राक्षस कोई भी आगे टिक नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथा अवतार बढ़ गया जब दानव हिरण्याकश्यप का अत्याचार। तप करके ब्रह्मा जी का पा लिया वरदान, कोई तुमको मार सके ना सुबह हो या शाम। रक्षा करने भक्ति प्रहलाद की स्वयं प्रभु तुम आए, नर और सिंह का रूप आप भगवान लिया बनाए। अपने हाथों उठाकर रख लिया दोनों जंघा पर, फाड़ पेट हिरण्याकश्यप का दिया है फिर वध कर। जब भी पाप बड़ा धरती पर आप मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आपका रूप सातवा राम जी का अवतार, तुम ही मर्यादा पुरुषोत्तम होती जय जयकार। फिर अपनी दिखलाई है संग वीर हनुमान, शेष नाग अवतार लक्ष्मण निडर बड़े बलवान। चरण कमल से तारी अहिल्या झूठे बेर दिखाए, लंका जीत के माँ सीता को आप छुड़ा कर लाए। बना विभीषण लंकापति फिर किया भक्त उद्धार, राम नाम को जपने से होती है नैया पार। रामायण में आज भी कथा ये सुने ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
द्वापर युग में ये आठवां है अवतार। बाल गोपाल है लीला इनकी देख रहा संसार। कोई माखन चोर कहे कोई नटखट छलिया, करते भाव विभोर बजाते जब ये मुरलिया। नाग कालिया आपके आगे नतमस्तक है हुआ, हुई कमर सीधी बुढ़िया की जो पैरों से छुआ। हुआ धर्म युद्ध जब कुरुक्षेत्र में पांडवों को जितवाया, मार के मामा कंस को आपने धरा से पाप घटाया। सच्चाई का साथ हमेशा आप निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महात्मा बुद्ध के रूप में आप कही अवतार, बौद्ध धर्म की स्थापना करके खूब किया प्रचार। ऐशो आराम कभी प्रभु आपको रास नहीं आए, मानव जीवन चक्र देख कर आप है घबराए। वृक्ष के नीचे बैठ के आपने किया है तप भारी, साधु का वेश धारण करके लीला है नारी। नर नारायण लीलाओं को देख रहा संसार, ना जाने कोई माया प्रभु की बहुत ही अपरंपार। जगपालक और जगत पिता जगदीश कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पर अंत हो अत्याचार, फिर तो कल की रूप में विष्णु जी लेंगे अवतार। धर्म की होगी विजय फिर से पाप मिटाएंगे, श्री विष्णु जी बनकर कल की अब वो आएंगे। जो भी सुने महिमा इनकी बढ़ता है उसका ज्ञान, श्रद्धा भाव से कर दी हमने इनकी आज बखान। सदा रहे हम सब भगवान तेरे चरणों के दास, हम सब भक्तों का बना रहे प्रभु आप पर विश्वास। भक्तों की नैया को विष्णु जी पार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। से प्रेम कर प्राणी प्रभु उद्धार कर देंगे। सभी से प्रेम कर प्राणी प्रभु उद्धार कर देंगे। प्रभु करुणा के सागर हैं,
वो भव से पार कर देंगे। सभी से प्रेम कर प्राणी प्रभु उद्धार कर देंगे। जियो सबको जीने दो यही संकल्प दोहराना, जियो सबको जीने दो यही संकल्प दोहराना। कहीं किसी दीन दुखियों को भूल कर दिल न दुख लाना, भूल कर दिल न दुख लाना। प्रभु का न्याय सच्चा है तेरा भंडार भर देंगे। सभी से प्रेम कर प्राणी प्रभु उद्धार कर देंगे। इस तन पे ये जल कर राख होना है, क्यों करते नाज इस तन पर ये जल कर राख होना है। जो पाया है यहाँ पर तू ये तय है यहीं पे खोना है, ये तय है यहीं पे खोना है। प्रभु से प्रेम कर प्राणी तेरा उद्धार कर देंगे। सभी से प्रेम कर प्राणी प्रभु उद्धार कर देंगे। यही एक कर्म अच्छा है, किसी के आसको करना यही एक कर्म अच्छा है। प्रभु भक्ति में रहना लीन यही संबंध सच्चा है, यही संबंध सच्चा है। न करना लेश भर चिंता वही मुक्ति दिला देंगे। सभी